बुर्ज खलीफा ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और मलेशिया की 450 मीटर ऊंची ट्विन टावर इसे भी आप जानते ही होंगे। इन्हें सैमसंग ने बनाया है जो शुरुआत में तो नूडल्स फिश और सब्जी बेचा करती थी, लेकिन आज ये कंपनी फाइटर जेट शिप्स टैंक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इंश्योरेंस फाइनेंस और केमिकल जैसे अलग अलग सेक्टर्स में भी काम करती है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग सैमसंग को उनके मोबाइल टीवी फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की वजह से ही जानते हैं, और जब शाओमी और रियलमी जैसे चाइनीज ब्रांड इंडियन मार्केट में दाखिल हुए तो सबको लगा कि अब सैमसंग का हाल भी नोकिया जैसा होने वाला है, क्योंकि हमें सैमसंग के रियल साइज के बारे में जानकारी ही नहीं थी। आज एंड्रॉयड को भी गूगल के बाद अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो सैमसंग है, और दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हो सैमसंग की मदद के बिना एक स्मार्टफोन बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चाहे वो गूगल का पिक्सल फोन हो या फिर एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि नूडल्स फिश और सब्जी बेचने वाली एक कंपनी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया। कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। सैमसंग के नाम ढेर सारी कंट्रोवर्सीज हैं और अपने फास्ट एक्सपेंशन के लिए उन्हें कई बार गलत रास्तों से भी होकर गुजरना पड़ा। चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। ये है ली बियोंगचुल, जो साउथ कोरिया के एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और सिर्फ 28 इयर्स की एज में सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत किए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, जहां 3 नंबर कोरिया में बिग और पावरफुल को शो करता है, और स्टार का मतलब एवरलास्टिंग। और आज बिग पावरफुल और एवरलास्टिंग सैमसंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक परफेक्ट वर्ड है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी जिसने धीरे धीरे अपने बिजनेस को पूरे साउथ कोरिया और आसपास के कुछ कंट्रीज में एक्सपेंड कर लिया था। सियोल शहर में उनका हेड ऑफिस था, और साल 1950 में नॉर्थ कोरिया से जब वॉर शुरू हुआ तब तक उनका नाम साउथ कोरिया के टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी में शामिल हो गया था। और दोस्तों इस वॉर से ही सैमसंग की असली कहानी शुरू होती है। वॉर की वजह से उनको अपना बेस सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा और बिजनेस की हालत तो ऐसी हो गई कि सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। एक्सपोर्ट करना तो दूर, लोग खाने पीने की चीजों के लिए इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हो गए। जैसे ही वॉर खत्म हुआ ली ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया और लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम करने लगे। कोरिया में शुगर केन का प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पर होता है, इसलिए सैमसंग ने शुरुआत एक शुगर रिफाइनरी से की और उसके प्रॉफिट से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंटर कर गए, ताकि लोगों के लिए सस्ते कपड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सके। सैमसंग ने कोरिया का सबसे बड़ा वूलन मिल स्टार्ट किया और कपड़े भी बनाने लगे। दोस्तों सैमसंग के डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को डूबने से बचा लिया था, इसलिए ली ने इस स्ट्रेटजी को और भी एग्रेसिवली फॉलो करना शुरू कर दिया और अलग अलग एरिया में अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने लगे। सैमसंग ने अपने कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोले और इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंटर कर गए। आज की डेट में भी सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इन सभी बिजनेस एक्सपेंशन से सैमसंग के पास इतना पैसा आने लगा कि ली बियोंगचुल साउथ कोरिया के रिचेस्ट मैन बन गए। फिर साल आया 1968, जब सैमसंग बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक्स के भी फील्ड में उतरने का फैसला लिया, और एक साल के भीतर ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया, जो था 12 इंच का एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और अगले कुछ ही सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर भी बन गई, और इस सक्सेस ने सैमसंग को और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मोटिवेट किया। सैमसंग ने 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1981 में कलर टेलीविजन्स और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर्स को भी लॉन्च कर दिया। लेकिन उन्हें जल्दी ही महसूस हुआ कि इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए वह एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिए और अपने लिए खुद ही पार्ट्स बनाने लगे, और फिर आगे अपने सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर इसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करने लगे। आज एप्पल भी अपने फोन में सैमसंग का ही मेमोरी चिप यूज करता है। इसके अलावा भी सैमसंग के कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जिनके बारे में जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज दुनिया के लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स में से एक है। इनका एक दूसरा डिवीजन है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग, जो रोड टनल्स ब्रिजेज और काफी बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि दुबई का बुर्ज खलीफा और मलेशिया की ट्विन टावर को सैमसंग ने ही बनाया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का लार्जेस्ट थीम पार्क एवरलैंड, कई लग्जीरियस होटल्स और एक पूरा टाउन सैमसंग ओन करता है, जिसे सैमसंग टाउन के नाम से जाना जाता है। अब शायद जो लोग सैमसंग को एक मोबाइल फोन या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी समझते थे, वह मुश्किल से आइसबर्ग के ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा था। यहाँ अभी हमने सैमसंग के नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन का तो जिक्र भी नहीं किया, जिसमें सैमसंग की यूनिवर्सिटी और मेडिकल सेंटर शामिल है। जी हाँ, सैमसंग मेडिकल सेंटर। एक यंग एंटरप्रेन्योर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस को अलग अलग मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करता है, कोई रुकावट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, और बहुत ही कम समय में एक मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ा कर देता है। सुनने में यह स्टोरी एक इनक्रेडिबल बिजनेस सक्सेस की तरह लगती है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है दोस्तों। इसके सक्सेस के पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सियल है।
तो चलिए इस सक्सेस जर्नी के डार्क साइड को भी समझते हैं। वार के बाद साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक चुका था। कोरियन प्रेसिडेंट अपने इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े कोरियन ग्रुप्स को सपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन सपोर्ट का तरीका बिल्कुल अनएथिकल था। सैमसंग, एलजी और ह्यूंडई जैसे बड़े बिजनेसेस को आसान शर्तों पर लोन दिया गया, टैक्सेस में रियायत दी गई ताकि उनका बिजनेस एम्पायर बड़ा हो और देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर सके। यहाँ तक कि जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एंटर किया तो कोरियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज पर लगने वाले टैक्सेस को 50% तक रिड्यूस कर दिया और उनको कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जापान और कई देशों को साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने पर ही बैन लगा दिया और कंज्यूमर्स को सैमसंग का प्रोडक्ट लेने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे तमाम फायदे सैमसंग को पहुंचाए गए जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर से काफी आगे निकलता गया। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो वार के बाद मिलने वाले अमेरिकन रिलीफ फंड को भी सैमसंग के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया और ये सब कुछ हो पा रहा था सैमसंग के फाउंडर ली की वजह से, जो एक स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने के खिलाड़ी माने जाते थे और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के अच्छे दोस्त थे। और इस दोस्ती की वजह से सैमसंग को हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। बाकी कंपनीज की तरह सैमसंग के ऊपर कोई एक्सपोर्ट लिमिट नहीं थी। एक्सपेंशन में उनको कभी भी फंड की कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि सरकारी बैंक्स के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए थे। हालांकि सैमसंग के फास्ट ग्रोथ से कोरिया की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचने लगा, खासकर एम्प्लॉयमेंट के रूप में काफी लोगों को नौकरी मिलने लगी। लेकिन छोटे कोरियन बिजनेसमैन बर्बाद होने लगे क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी गवर्नमेंट सपोर्टेड सैमसंग जैसे जायंट के सामने कैसे टिक सकते थे। सैमसंग इतनी पावरफुल हो गई कि जिस भी नए फील्ड में वो एंटर करते थे उसमें दूसरे बिजनेसेस को तहस नहस करने की ताकत रखते थे और इस तरह साउथ कोरिया की इकोनॉमी जाने अनजाने एक कंपनी के ऊपर ही कुछ ज्यादा निर्भर हो गई। सैमसंग साउथ कोरिया के अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैवली इन्वॉल्व था और साल 2014 में तो साउथ कोरिया के कुल जीडीपी में 17% अकेले सैमसंग का कंट्रीब्यूशन था। एलजी और ह्यूंडई की कहानी भी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन सैमसंग उसमें सबसे बड़ा है और पूरे कोरियन बिजनेस एम्पायर को जिस तरह कुछ गिनी चुनी कंपनीज ने अपने हाथ में लिया उससे साउथ कोरिया का ज्यादातर पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस 2-3 बिजनेस फैमिलीज के कंट्रोल में चला गया। साल 1987 में ली बियंगचुल की डेथ के बाद उनके बेटे ली कुन ही ने उनकी जगह संभाल ली, जिनके समय में सैमसंग और गवर्नमेंट का रिलेशन और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। 1996 में उनके ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा, लेकिन सैमसंग की गवर्नमेंट कनेक्शन की वजह से तत्कालीन प्रेसिडेंट ने उन्हें बिना किसी एक्शन के माफ कर दिया। ऐसी ही एक घटना 2008 में हुई जब ली कुन ही को टैक्स चोरी और एक घोटाले में दोषी पाया गया और उन्हें अपने पद से हटाने के साथ ही 3 साल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन अगले ही साल उस समय के प्रेसिडेंट ने उनकी सजा को माफ कर दिया और फिर से वो सैमसंग के चेयरमैन बन गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। इससे आप सैमसंग और कोरियन गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद भी अपने बेटे ली जेयोंग को सैमसंग का हेड बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के आरोप उनके ऊपर लगे। फिर उनके बेटे ली जेयोंग भी रिश्वत देने के दोषी पाए गए, लेकिन किसी भी आरोप पर एक्शन नहीं लिया गया। आज सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। लोग जानते हैं कि सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाना मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना है और साउथ कोरिया के ज्यादातर लोग तो अब ये मानने लगे हैं कि सैमसंग को अब कोई हरा नहीं सकता और वो सरकारी नियम कानून के ऊपर है। अब दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में बताए गए सैमसंग की सक्सेस जर्नी का बैकग्राउंड भी आपको समझ में आ रहा होगा। सैमसंग के हिस्ट्री में हुए एक इंसिडेंट का जिक्र करना भी जरूरी है जिसने उसके रेपुटेशन और मार्केट शेयर को हिलाकर रख दिया था। ये बात है 2016 की, जब सैमसंग की नोट 7 सीरीज के मोबाइल फोन्स में ब्लास्ट की खबरें आने लगी। पूरी दुनिया की मीडिया में फोन एक्सप्लोजन की खबर हेडलाइन बन गई। यहां तक कि एयरलाइंस में इस फोन को बैन कर दिया गया। सैमसंग के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि फोन का प्रोडक्शन बंद करके मार्केट के फोन्स को भी रिकॉल करना पड़ा, जिसकी वजह से सैमसंग को $5 बिलियन का नुकसान हुआ था। कंपनी ने उस समय एक्सप्लोजन की वजह मोबाइल की बैटरी को बताया था, लेकिन बाद में ये सच्चाई निकलकर सामने आई कि एप्पल से कम्पीट करने के लिए एक फीचर रिच स्मार्टफोन की सख्त जरूरत थी, जिसे सैमसंग ने डिजाइन टीम और इंजीनियर से जल्दबाजी में तैयार कराया था और बिना प्रॉपर टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल के एक डेंजरस फोन को मार्केट में उतार दिया था। हालांकि इन सभी कंट्रोवर्सीज और बैड प्रैक्टिसेस के बाद भी सैमसंग सक्सेसफुल होता चला गया, एक के बाद एक लगातार अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पेश करता रहा, जिससे उसका साइज, रेवेन्यू और दुनिया में उसकी पकड़ बढ़ती गई। पिछले कुछ सालों में सस्ते और फीचर रिच चाइनीज फोन्स ने इंडिया में सैमसंग का मार्केट शेयर कुछ कम तो जरूर किया था, लेकिन करंट सेल्स फिगर बताते हैं कि लोगों का प्यार अब इन चाइनीज ब्रांड से कम हो रहा है और एक बार फिर सैमसंग जोरदार बाउंस बैक करने वाला है। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।